नमस्कार दोस्तों, देखिए ये मेरे एडेनियम का पौधा है और इस पर बहुत सुंदर सुंदर से आज फूल खिले हुए हैं। तो इसको मैंने अभी कुछ समय पहले ही इसको रिपोर्ट किया था, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने इसकी रिपोर्टिंग के समय कौन सी सॉइल का इस्तेमाल किया जिससे मेरे पौधे पर इतनी अच्छी ग्रोथ हुई। तो देखिए ये मेरा एडेनियम का पौधा, इसको मैं एक साल पहले लाई थी और अभी ये करीब एक साल का ही है। तो फिर मैंने इसको नर्सरी वाले पॉट से इसको रिपोर्ट करा और उसमें कौन सा सॉइल मीडियम यूज़ किया, वही सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसको सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो नर्सरी वाले पॉट से था इसको निकाला, निकालने के बाद इसको 7 से 8 दिन इसको छांव में ही सुखाया। छांव में सुखाने के बाद इसको मैंने इस पॉट में शिफ्ट किया और इसमें क्या सॉइल मीडिया यूज़ किया वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं कटोरी का हिसाब आपको बता रही हूँ, आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो उसमें मैंने 1 कटोरी अपने गार्डन की सॉइल, 1 कटोरी कोयला, 1 कटोरी वर्मी कंपोस्ट, 2 कटोरी बजरी और 1/2 चम्मच फंजीसाइड पाउडर। तो फंजीसाइड पाउडर अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें दालचीनी का पाउडर भी 1/2 चम्मच मिला सकते हैं, तो वो भी फंजीसाइड पाउडर की तरह ही काम करेगा। तो ये सब मिक्स करके मैंने अपने इस पौधे को इस तरीके से इसमें शिफ्ट कर दिया। ये देखिए आपको इसमें चारकोल कोयला और ये बजरी भी दिख रही होगी। और फिर इसके बाद मैंने इसको रिपोर्ट करने के बाद इसको अच्छी तरीके से पानी दिया और पानी देने के बाद फिर मैंने इसको छाव में 7 से 8 दिन के लिए रख दिया। उसके बाद इसमें मैंने क्या किया कि इसमें DAP के कुछ दाने 7 से 8 दिन के बाद 8 से 10 दाने DAP के डाले। तो DAP के डाले दाने डालने के बाद इसमें ये देखिए इसका रिज़ल्ट आप देख ही रहे हैं कितनी अच्छी ग्रोथ आई और इसमें देखिए इसमें फूल भी आ गए। आज इसको सिर्फ 20 से 25 दिन ही हुए हैं पर इसकी सारी अभी ब्रांचेस पर बड्स नहीं बनी है लेकिन ग्रोथ होने लगी है। फिर देखिए आगे क्या होता है। तो यही सब मैंने अपने इस प्लांट के साथ किया है और ये फूल तो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। तो आपको मेरी ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।